मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण देण्यात यावं या मुख्य मागणीचं निवेदन आज विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आलं. मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण द्यावं असा निर्णय न्यायालयानं सुद्धा दिला आहे, परंतु अद्यापही मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये 5% सुद्धा आरक्षण दिलं जात नाही. मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये 5% आरक्षण देण्यात यावं या मुख्य मागणीचं निवेदन मुस्लिम विविध संघटनेने विभागीय आयुक्तांना दिलेले आहे. हे निवेदन देण्यासाठी विद्यार्थी विद्यार्थिनी सामील झाले होते. यावेळी मोहसिन अहमद खान, डॉक्टर मसरत फारुकी, डॉक्टर सरताज पठाण, अहमद सिद्दीकी आदींची उपस्थिती होती. तमाम फॉर्म के नौनहालों ने काली फित लगा कर हुकूमत के खिलाफ खामोश एहतजाज किया है और हुकूमत के आज हम एक मेमोरेंडम के जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि अपना जल्द अज़ा जल्द अपना फैसला मुरतब करें. इसलिए कि मुस्लिम कौम बहुत पीछे है, तालीमी माशी समाजी सब एतबार से पीछे है, और मुंबई हाईकोर्ट ने 15/4 और 16/4 के तहत ये फैसला दिया था कि मुस्लिम कौम को रिजर्वेशन देना जरूरी है. ये उस पर मंजूरी भी दी गई थी और इसको नामंजूर किया गया. इसलिए मुस्लिम कौम के साथ नाइंसाफी हुई और हम आज इसीलिए काली फित लगा के ये आंदोलन कर रहे हैं. सच्चर समिति उसका अहवाल है, कोई भी कमेटी को रिजर्वेशन देने के जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं उस प्रावधान के तहत ये रिजर्वेशन 100% सरकार दे सकती है. इसमें कहीं भी रुकावट नहीं है. सिर्फ ये सरकार की अगर इच्छा हो कि मुसलमानों को आरक्षण मिले और मुसलमान के बच्चे और पढ़ाई में भी आगे बढ़े और नौकरियों में भी आगे बढ़े, तो ये आरक्षण का मुद्दा 1 मिनट में सॉल्व कर सकती है. ये संविधान के तहत ही हो सकता है, सिर्फ इनकी इच्छा और ख्वाहिश होना है. मुस्लिम्स का जो मुद्दा आ रहा है कि गवर्नमेंट ने कई कमेटीज और कमीशन बिठाए थे, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सचर कमीशन और भी जो अब्दुल रहमान जो कमीशन जो था उसमें बताया गया है कि मुस्लिम्स का जो हाल है कि वो एससी और एसटी से भी बदतर हो रहा है. तो ये सबका साथ सबका विकास किस तरह से हो रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मुस्लिम्स को भी वो सही ढंग से ध्यान दे और उनके लिए सपोर्ट करे. और ये रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके तहत वो मुसलमान को सपोर्ट कर सकते हैं.